सुना भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, सुना भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, सुना भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे, आखिर डॉक्टर वेद प्रकाश जी HCH GM रोडवेज हिसार, पहले भी ये सिरसा में SDM के पद पर सेवाएं दे चुके हैं, आज हमारे बीच में योगा स्टेट कंपटीशन में नेहरू कॉलेज में पहुंचे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मैडम सविता मान प्रिंसिपल, कि इनके एक छोटे से अथक प्रयास से स्टेट लेवल का जो प्रयास किया जा रहा है, कंपटीशन करवाया जा रहा है, इसमें मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर नेहरू कॉलेज के लिए, क्या शुभकामनाएं इनकी रहेंगी? सबसे पहले तो मैं मैडम को बधाई देना चाहूँगा कि इनके प्रयासों से, इनके एफर्ट्स से जो स्टेट लेवल का योगा का कंपटीशन है जो 3 दिन के लिए 8 से 10 सितंबर के बीच में रहेगा, उनको होस्ट और ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है, तो इस चीज़ के लिए मैडम बधाई के भी पात्र हैं। और योगा तो हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल इवेंट है और एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है, हम 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो अब जो 3 दिन का इवेंट है और जो ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैडम और इनकी सभी टीम बधाई के पात्र हैं, और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहे और एक बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन किया जाए और बच्चों में एक पॉजिटिव संदेश भी जाए कि छोटी जगह भी बहुत बड़े फंक्शन के लिए उपयुक्त मानी जा सकती हैं और छोटी जगह बड़ी जगहों से अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा सकती है। और मैं अंत में फिर से शुभकामनाएं देता हूं मैडम को और इनकी पूरी टीम को। तो आपसे पूछना चाहेंगे हम कि आप तो जो योगा कंपटीशन करवा रहे हैं, इसमें कहां से टीम आई है और कैसे आप इसको चला रहे हो, कैसे इसको कहां तक ले जाना चाहते हो योगा की इस टीम को, जो आप के कॉलेज के स्टूडेंट्स? ये जो टूर्नामेंट है ये राज्य स्तरीय है और पूरे हरियाणा से जो है इसमें टीमें आई हैं, लगभग 50 टीमें जो है, 60 टीमों ने जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, पुरुष वर्ग में और महिला। आपका नेहरू कॉलेज से प्रिंसिपल मैडम सविता मान, स्टेट योगा कंपटीशन जो करवाया जा रहा है, किस मोमेंट पे आप करवाना चाहते हैं योगा का? आप अभी कुछ दिन पहले कोर्स भी ले गए, इसमें क्या योगदान आपके कॉलेज का, क्या आपका और क्या हमारी हरियाणा सरकार का रहा है, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि इस कॉलेज में हम ये इवेंट करवा सकते हैं। एक्चुअली हमने इसी साल एक कोर्स की डिमांड की थी, योगा एंड मेंटल हेल्थ, और उसी कड़ी में सरकार के द्वारा हमें इस कोर्स को चलाने की अनुमति भी दी थी। तो मुझे लगा कि जो हमारे योगा कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि उनकी भी योगिक क्रियाएँ भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उन्हें एक मैनेजमेंट का भी मौका मिलेगा, दूसरा उन्हें देखने का मौका मिलेगा आसन और